हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है रीना और आज मैं आपके साथ में अगेन एक रिव्यू शेयर करने वाली हूँ पतंजलि के एलोवेरा हेयर क्लेंजर का। सो बेसिकली ये जो प्रोडक्ट है इसको मैंने हमारे पास के लोकल स्टोर यानी पतंजलि का जो लोकल स्टोर है वहाँ से मैंने इसको बाय किया है। इस प्रोडक्ट की मैं क्वान्टिटी की बात करूँ तो दैट इज़ 200 ml और इसका MRP जो है ये है 85 rupees। मेरी एक बहुत प्यारी सब्सक्राइबर थी जिन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट की थी कि मैं शैम्पू के ऊपर अपना एक प्रॉपर रिव्यू दूँ, तो मुझे उसके लिए इसे खुद भी यूज़ करना पड़ेगा तभी मैं आपके साथ में रिव्यू शेयर कर सकती हूँ। तो अभी आप इसकी क्वांटिटी आपको दिख रही होगी, ये पूरे यहाँ तक थी और मैंने आधी कर दी है ये बॉटल, यानी मुझे इसे यूज़ करते हुए 1 month अभी हो चुका है। तो अब जो है मैं इसका एक प्रॉपर अच्छा रिव्यू जो है वो आपके साथ में शेयर करती हूँ। सो बेसिकली ये जो शैम्पू है ये प्रिवेंट करता है हेयर फॉल से, मिनिमाइज करता है स्प्लिट एंड को, रिमूव करता है डर्ट आपके बालों से और आपकी स्कैल्प से, और इसके अलावा इसके अंदर जो है 100% यू नो बोटानिकल एक्सट्रैक्ट यूज़ किए गए हैं, यानी कि इसके अंदर है एलोवेरा, तुलसी, ब्राह्मी, रीठा, आंवला, हिना, शिकाकाई, हल्दी, गिलोय और बकुची। इसके अलावा थोड़ा बहुत प्रिजर्वेटिव यूज़ किए जाते हैं क्योंकि शैम्पू जो है ये लॉन्ग लास्टिंग हो सके, ताकि आप इसे रख के आराम से दो महीने तक आराम से आप इसे यूज़ कर सकें। तो इस वजह से इसमें जो है थोड़े बहुत प्रिजर्वेटिव भी ऐड हैं और इसके अलावा फ्रेग्रेंस के लिए कुछ सुगंधित द्रव्य करके कुछ है जो कि इसके अंदर ऐड किया हुआ है। अब बात करते हैं इसकी फ्रेग्रेंस की, तो इसकी जो फ्रेग्रेंस है ना वो है एलोवेरा जैसी, यानी कि जैसे एलोवेरा में तो कोई फ्रेग्रेंस होती ही नहीं है बेसिकली, बट इसमें कुछ एलोवेरा जैसा ही स्मेल है, स्ट्रॉन्ग स्मेल है और बहुत ही ज़्यादा माइल्ड भी है। तो ये है और इसके पीछे यहाँ पे मेंशन भी है कि अगर आपके बाल ज़्यादा टूट रहे हैं, दो मुँह हैं, तो ये उनको कम करता है, रूखेपन को भी कम करता है, आपके बालों को स्वस्थ बनाता है, सुंदर और अति उपयोगी बनाता है। कह रहे हैं ये कि इसमें 2-3 ml यानी थोड़ी सी क्वांटिटी में जो है अपने हाथों पे लीजिए और गीले बालों पे हल्के हाथों से इस तरीके से आपको मसाज करना है अपने स्कैल्प पे और अपने रूट से लेके एंड तक अच्छे से मसाज करना है। उसके बाद जो है आपको अपने बालों को नॉर्मल वाटर से हेयर वॉश कर लेना है। तो बेसिकली मैं इसे 1 month से यूज़ कर रही हूँ। 1 month में व्हाट आई फाउंड मैं आपको वो चीज़ें अब बताऊँगी। जब मैं ऑयलिंग करती हूँ, ऑयलिंग करने के बाद जब मैं शैम्पू करती हूँ तो बहुत थोड़ी कम क्वांटिटी इस शैम्पू की लगती है बालों में, बड़े आराम से ये बालों को क्लीन कर देता है। मैं कैसे यूज़ करती हूँ, मैं एक छोटा सा बाउल लेती हूँ, उसके अंदर शैम्पू निकालती हूँ, थोड़ा सा उसमें पानी को जो है मिक्स करती हूँ और फिर हल्के हाथों से अपने बालों पे सारे में इसे अच्छे से अप्लाई करती हूँ और उसके बाद फिर मैं नॉर्मल वाटर से अपने बालों को जो है वॉश करती हूँ। टेक्सचर की अगर आप इसकी बात करेंगे ना तो बिल्कुल जेल लाइक कंसिस्टेंसी है इसकी। मैं एक बार आपको दिखाती भी हूँ, ये देखिए इस तरीके से है, बिल्कुल जेल लाइक कंसिस्टेंसी है, जैसे आप कोई हेयर में कोई जेल या हेयर मास्क लगाते हैं ना उस टाइप की इसकी बिल्कुल स्लिपरी सी कंसिस्टेंसी है, बिल्कुल जेल की जैसी होती है वैसी। फ्रेग्रेंस तो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है, बालों में से भी जब आती है तो बहुत अच्छी है, खुशबू आती है इसकी और ट्रांसपेरेंट इसका कलर है, लाइट ग्रीन कलर का है। जैसे आपको ये फील होगा जब आप शैम्पू करेंगे कि आप कुछ आयुर्वेदिक टाइप ऑफ हेयर स्पा लेते हैं ना, उस टाइप से फ्रेग्रेंस आती है जब आप इससे शैम्पू करते हैं। दूसरा ये कि जब मैंने शैम्पू किया तो मुझे क्या चीज़ फील हुई, आप पहले मेरे बाल देख लीजिए, मैंने अभी भी इसी से ही शैम्पू किया हुआ है। बालों में ना एक टेक्सचर और एक वॉल्यूम ऐड हो जाता है जब आप इससे हेयर वॉश करते हैं। मेरे बालों का टेक्सचर थोड़ा सा बैठ गया था अभी थोड़ा टाइम पहले तक, मुझे लग रहा था कि सर पे बाल नहीं है, लेकिन इससे ना बालों का एक तो टेक्सचर मेंटेन रहता है। सपोज आपके बाल जो है बहुत हल्के हो चुके हैं पहले से, तो एक बाउंसीनेस आ जाएगी आपके बालों में इस शैम्पू को यूज़ करने के बाद से, ठीक है। और थोड़ा सा ना मुझे ऐसा फील हुआ कि वैसे मेरी स्कैल्प जो है ये ऑयली है, ऑयली स्कैल्प अगर आपकी है तो जो शैम्पू ऑयल अच्छे से क्लीन करते हैं ना वो बेस्ट होते हैं आपके लिए, लेकिन अगर आपकी स्कैल्प ड्राई है, आपके बाल ड्राई हैं, तो ये जो शैम्पू है ये काम नहीं करेगा आपके लिए, आपके बालों में और ज़्यादा फ्रीजीनेस हो जाएगी। बिकॉज मैं भी जब शैम्पू करती हूँ ना तो समटाइम्स मैं क्या करती हूँ, मैं लिवन का जो हेयर सीरम है या कोई और हेयर सीरम या पैंटीन का जो हेयर क्रीम आता है मैं वो अप्लाई करती हूँ अपने बालों पे, ताकि फ्रीजीनेस थोड़ी कम रहे, मतलब ज़्यादा ना रहे। अदरवाइज़ आप अभी देख सकते हैं बालों में कितना अच्छा एक बाउंस आ रहा है। मैंने इसको लगाने के बाद जो है
लिवॉन का हेयर सीरम अप्लाई किया था अपने बालों पे, तो एक बहुत अच्छी ना एक शाइन आपको दिखेगी अपने बालों में, और इसके अलावा टेक्सचर बहुत अच्छा हो जाएगा, बार बार मन करेगा आपका इस तरीके से ना हाथ मारूं अपने बालों में। सो बेसिकली मेरे हिसाब से तो बहुत सही है, क्योंकि मैंने अभी तक ऐसा कोई भी शैम्पू नहीं देखा मार्केट में जिसकी क्वांटिटी तो 200 ml हो और 85 rupees में वो आपको मिल जाए। तो मेरे हिसाब से बेस्ट है, क्योंकि नेचुरल इंग्रेडिएंट यूज़ हुए हैं शैम्पू के अंदर, तो आपको इसे एक बार ज़रूर ट्राई करना चाहिए। और वैसे भी 85 rupees में आज के टाइम में मार्केट में कुछ नहीं मिलने वाला, और 100 rupees आपको 200 ml क्वांटिटी में शैम्पू मिल रहा है, तो एक बार इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैं फिर मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।